कैसे हो? हम फ्री खाके काम में भूख लाशे। देख भाई, तू भी है घर पे, मैं भी हूँ घर पे, तू भी बोर हो रहा है, मैं भी बोर हो रहा हूँ, तो बस थोड़ी मस्ती तो अपन यहाँ से ही कर लेंगे। देख अब तेरा भाई मचाएगा, बस देखते जा। आ गए तुम लोग, तो कैसा चल रहा भाई? लो, आज का दिन है डे नंबर 9। तो जैसे हर दिन की तरह मैं अपना दिन काम के साथ ही शुरुआत करता हूँ, क्योंकि काम दूजा। क्या था डायलॉग? A few moments later, अभी मेरे को डायलॉग तो याद आया नहीं, तो मैंने स्किप किया 2-3 o'clock। सो अभी नया डायलॉग यूज करते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। हाँ, कॉफी पीते। घंटा हाट बनेगा मेरे से। देखो भाई, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है जो ऐसा पीते हैं और दूसरे होते हैं जो सबसे अनाइंग होते हैं। मैं दूसरे वालों में से। और एग्जांपल चाहिए तुम लोग को? जो ऐसे पीते हैं ना छुट छुट करके, वो हर एक बूंद का मजा लेते हैं। तो अगली बार आपको हर एक बूंद का मजा लेना है ना, तो छुट छुट करके पीना। लेकिन असलियत क्या है पता है? ये जो छुट छुट वाली आदत जिनको भी है ना, वो अपने घर में ही ऐसे करते हैं खुशी खुशी, लेकिन जब बाहर जाते हैं ना तब इतनी सी आवाज नहीं आती है, बिकॉज आई एम ड्रिंकिंग लॉट चाहिए ना। और ये घर के अंदर, अरे बस मस्त मसाले वाली चाय बना देना भाई, तू तो आज दिमाग खुल जाना चाहिए आज तो। मैंने कुछ दिन से ये नोटिस कर रहा हूँ, चला ये डेली ब्लॉग बनाना मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया। मतलब वो पता है मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, आप इस डे से ही हुआ होगा, मेरे को पता ही है। तो ये सिनेरियो ऐसा है, ओके, तो सुबह उठ के सोच लेता हूँ आज तो मैं ये करके ही रहूंगा, आज ये खत्म ही कर दूंगा, और उसी दिन आपको कुछ ना कुछ दूसरा काम आ जाता है, ओके, जो इम्पोर्टेंट होता है, जो उसी दिन करना होता है, उसकी वजह से आप पहला वाला काम नहीं कर सकते। आपने कुछ नोटिस किया क्या? नया चेयर ब्रो, आप लोगों को कैसे पता चलेगा? मजा तो मेरे पिछवाड़े को आ रहा है जी। मतलब मैं व्लॉगिंग में रोज सोचता हूँ कि साला आज तो कुछ किया ही नहीं, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं, तो मैं व्लॉग में डालूं क्या, तुम लोगों को एंटरटेन कैसे करूं? बट द पॉइंट इज, यू नो व्हाट, मैं जब आज उसके बारे में सोच रहा था तो मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक आप खुद नहीं सोचोगे कि हाँ भाई मेरे को आज कुछ एक्स्ट्रा करना है, तब तक आप वो करोगे नहीं। और मैंने इतना बड़ा भाषण दे दिया है क्योंकि मेरे को बाहर जाके आज हेयर जेल लेके आने का। हाँ यार, बहुत टाइम से जंगली ऐसा घूम रहा हूँ, तो आज सोचा ब्लॉग का ब्लॉग, हेयर जेल का हेयर जेल। और अगर नहीं मिला ना, मेरा अभी तक मास्क आया नहीं। चलो अमेजोन वालों ने बोला था आज से डिलीवरी हो ही जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। ये रही दो गाड़ियाँ। हाँ, सब तुम लोग ही ले लो बेटा, मैं तो ऊपर से जाऊँगा ना तुम लोग के। हाँ, अभी सीढ़ियों से उठाना पड़ेगा। स्कूटर वालों की कोई इज्जत ही नहीं है इस समय। एक और बैड न्यूज़ है, थोड़ा टाइम में बोलता हूँ। एक जेल मिला और एक स्प्रे मिला, तो आई शुड गो विद, लेट्स गो विद द जेल। सो भाई, मैंने लिया एक जेल और 3 गिर गया और 3 लॉटरी के टिकट्स। तो जब भी आप लॉटरी बोलते हो तो हाँ चलो यही आता है कि भाई जुआ है, ख़राब है, पर ये मैंने मेरे लिए नहीं लिया है बेसिकली, ये मेरे एक रूममेट के लिए लिया है जो ये सब लॉटरी इसलिए करता है क्योंकि जो लॉटरी का पैसा है इन कैलिफोर्निया, ये जो लॉटरी के पैसे होते हैं इनसे स्कूल और बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स वो सब बनती है इन कैलिफोर्निया। सो इसलिए वो चाचा ये लॉटरी के टिकट्स खरीदते हैं। पावर है, बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी भर भर के पावर है ना बाकी। हाँ तो भाई आ गए जेल लेके, तो अभी इस जेल को टेस्ट करना है, ओके। अभी टेस्ट कैसे करेंगे? पहले तो मैं इसको लगाऊंगा, फिर वर्कआउट करूंगा, और वर्कआउट करने के बाद में अगर बाल सेम रहे तो भाई पास हो गया पप्पू, वरना तो मेरी तो ये सब लगाने में पड़ती है क्योंकि मैं ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करता नहीं हूँ, ज़्यादा क्या करता ही नहीं हूँ। तो अभी क्योंकि मेरे बाल बड़े हो गए
इसलिए थोड़ा चालू कर रहा हूँ। चलो भाई हो गया, जो घटिया ओछे है मैंने बाल, जो घटिया ओछे। और ये मेरे को नहीं लगता है कोई भी एंगल से होल्ड कर पाएगा, ये अभी होल्ड नहीं कर पा रहा है, क्या आगे आगे वापस वापस बाल आ रहे हैं। तुमसे ना हो पाएगा। कोई नहीं, चलो वर्कआउट चालू करते हैं। पर वर्कआउट चालू करने से पहले मैं सोचा कि सर थोड़ा मल्टीटास्किंग हो जाए तो मैं पहले ही नीचे जाके चावल रख के आ जाता हूँ, क्योंकि आज बनेगा खिचड़ी। वर्ड्स इन हिंदी राइट, व्हाट वर्ड्स लाइक आई से इफ आई वांट से हेलो आई से केमचो केमचो। ओह नाइस, ओके, दिस इज सारुशे सारुशे। ओह बड़ा ब्रश, इज इट गुजराती, इट इज गुजराती, यस यस। आई व्हाट एल्स डू यू लाइक आई से ओ आई एम फीलिंग हंग्री धाम में भूख लागे से क्याले चलो भाई फिर से घूम के आ चुका है लेग्स डे, चालू करते हैं। ये है आपका हेयर स्टाइल आफ्टर वर्कआउट, तो वो हेयर जेल इतुक सा भी भरोसे के लायक नहीं, इतुक सा भी नहीं, कांधों ने बहुत रुलाया है। और जोरदार धमाकेदार पूरा काम खत्म होते हुए हमारी खिचड़ी बन चुकी है, अभी दिखाता हूँ। 3 2 1 क्या जबरदस्त बनी है, इसको बोलते हैं खिचड़ी। चलो भाई खाना भी हो गया, सारा काम भी हो गया, बस एक ही चीज़ बोलना था आपको, खुश रहना है तो पागलपंती ज़रूरी है, इसलिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी मुस्कान की चमकान से दूसरों को भी हंसाते रहो। कल मिलते हैं और मजे करेंगे। हाँ तो जो मैं बैड न्यूज़ बोल रहा था वो बैड न्यूज़ यही है कि मेरी जो स्कूटर है, अपनी जो धन्नो है, वो मुझे वापस रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि देर इज़ अ चेंज इन कैलिफोर्निया लॉ एंड ये स्कूटर मैं अभी रोड पर नहीं चला सकता। सो आई एम रिटर्निंग दिस स्कूटर बैक, वेरी सैड, वेरी सैड। हड़के चार हो गए। Oh, 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 oh